चांद पर हमेशा हमेशा के लिए सो गया चंद्रयान 3। इसरो से आया आज बड़ा अपडेट। अब कभी नहीं उठ पाएगा चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 के जगने को लेकर इसरो की तरफ से अब तक का सबसे बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ गया है। इसरो के अनुसार चंद्रयान 3 चांद पर अब कभी भी नहीं उठ पाएगा। इसरो ने इस अपडेट में क्या क्या बताया है, चलिए जानते हैं। चंद्रयान 3 जो अब पूरी दुनिया में किसी पहचान का मोहताज नहीं है, 23 अगस्त 2023 को जब चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा तो हर एक भारतीय उत्साह से प्रफुल्लित हो गया। हो भी क्यों ना, हर एक भारतीय के लिए गर्व की जो बात थी। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहली बार कोई देश पहुंचा था। अब तक के चांद पर जाने वाले सभी देश नॉर्थ पोल या साउथ पोल के करीब पर उतरे थे, लेकिन चंद्रयान 3 ने दक्षिणी ध्रुव पर उतरकर इतिहास रच दिया था। जैसे चंद्रयान 3 के चांद पर उतरने पर हर एक देशवासी खुशी से फूला नहीं समा रहा था, वैसे ही चंद्रयान 3 ने किसी भारतवासी को निराश नहीं किया। पूरी दुनिया में चंद्रयान 3 ने भारत के नाम को खूब गौरवान्वित किया। चांद की सतह पर रोवर ने चलकर और लैंडर ने खड़े खड़े बेहद बड़ी बड़ी खोज की। हमारे देश के चंद्रयान 3 मिशन में गए लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान अपने लक्ष्यों से भी अधिक अच्छा कार्य किया। इसरो वैज्ञानिकों के द्वारा जिन खोजों के लिए 14 दिन का प्लान बनाया गया था, हमारे लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान ने उनको महज 10 दिनों में ही पूरा कर लिया। लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान की सफलता को देख इसरो वैज्ञानिकों ने अंत में अपना प्लान बदला और इनको स्लीप मोड में डालकर 22 अक्टूबर को वापस उठाने का प्लान बनाया। 10 दिन के सफर के बाद 2 सितंबर को रोवर को और 4 सितंबर को लैंडर को इसरो की तरफ से स्लीप मोड में डाल दिया गया। 4 सितंबर के बाद पहले तो हम सब भारतीयों ने 22 सितंबर का इंतजार किया और 22 सितंबर के बाद आज तक चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान के जगने का इंतजार कर रहे हैं। आज आप जब ये वीडियो देख रहे हैं तो चांद पर दिन की पृथ्वी से तुलना की जाए तो शाम के लगभग 5 बज रहे हैं। आसान भाषा में समझें तो जैसे पृथ्वी पर शाम के 5 बजे धूप खिली होती है, वैसे ही धूप अभी चांद पर खिली हुई है, यानी साफ है। चांद अब अपनी रात की ओर बढ़ रहा है। चांद पर जो तापमान अभी कल तक 100 डिग्री पार कर गया था, अब तेजी से घटने लगा है और इस घटते तापमान में चंद्रयान 3 की उठने की अब सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं। यानी अब हम सब भारतीयों को मान लेना चाहिए कि चंद्रयान 3 का सफर हमारे साथ इतना ही था। अब चंद्रयान 3 के दोनों वीर लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान चांद पर कभी नहीं जागेंगे, इसका अंदाजा आप खुद भी लगा सकते हैं। चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान सोलर पैनल की सहायता से काम करते हैं और सूर्य की ऊर्जा पर निर्भर हैं। जब वो सूर्य की सबसे तेज रोशनी में स्लीप मोड से बाहर नहीं आ पाए तो अब चांद पर सूर्य की रोशनी खत्म होने लगी है तो उनका स्लीप मोड से अब बाहर आना असंभव है। आज जब हमने इसरो में उपलब्ध अपने इनसाइड सोर्स से जानकारी ली तो उन्होंने भी बताया कि इसरो के वैज्ञानिकों का भी एक धड़ा अब ये मान चुका है कि चंद्रयान 3 का चांद पर सफर अब हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। इसरो के द्वारा ट्विटर पर अब कभी भी ऐलान हो सकता है कि चंद्रयान 3 का सफर अब खत्म हो चुका है। इसी के साथ इसरो हमारे साथ इसको उठाने के प्रयासों के बारे में भी सूचना देगा। आप जल्द ही इसरो की तरफ से ऑफिशियल ट्वीट देखेंगे। इसरो के एक सीनियर वैज्ञानिक ने आज अपडेट देते हुए बताया
कि चंद्रयान 3 को आज जगाने के 9 से अधिक प्रयास हुए। ये अब तक के लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान को जगाने के सबसे अधिक प्रयास थे, लेकिन सिग्नल ना मिल सके। इस समय चांद का तापमान तेजी से कम होने लगा है और इस तेजी से कम होते तापमान के कारण इसरो वैज्ञानिकों का एक समूह ये मान चुका है कि चंद्रयान 3 चांद पर अब कभी नहीं जग पाएगा। इसरो चीफ एस सोमनाथ भी हाल ही में कह चुके हैं कि अगर विक्रम और प्रज्ञान फिर से एक्टिव नहीं होते हैं तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि इस मिशन का जो उद्देश्य था, इससे जो उम्मीदें थी, वो पहले ही पूरी हो चुकी हैं। रोवर प्रज्ञान ने चांद की सतह पर सिर्फ सल्फर ही नहीं बल्कि कई दूसरे रसायनों और खनिजों की भी खोज की है। प्रज्ञान ने चांद की सतह पर ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, लोहा, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैंगनीज और सिलिकॉन की मौजूदगी का भी पता लगाया है। इस खोज से वैज्ञानिकों को चांद की सतह की रासायनिक संरचना के बारे में समझ और बेहतर होगी। 4 सितंबर को स्लीप मोड में जाने से पहले लैंडर विक्रम ने चांद की सतह पर एक तरह से दोबारा सॉफ्ट लैंडिंग की। इसरो के कमांड सेंटर ने विक्रम को अपने इंजन को फिर से चालू करने का निर्देश दिया। विक्रम करीब 40 सेंटीमीटर यानी 16 इंच उछला और 30-40 सेंटीमीटर की दूरी पर उतरा। इसरो ने इसे हॉप एक्सपेरिमेंट का नाम दिया। आप सोचेंगे कि एक 1.25 फीट की इस छलांग में आखिर ऐसा क्या है जिसे बड़ी उपलब्धि माना जाए। विक्रम की छलांग भले ही छोटी थी, लेकिन ये भविष्य में भारत की अंतरिक्ष में बड़ी छलांग की बुनियाद बन सकती है। इसके जरिए इसरो ने विक्रम के चांद की सतह पर लिफ्ट ऑफ की क्षमता का टेस्ट किया, जो सफल रहा। यानी भविष्य में चांद की सतह पर इंसानों को भेजकर वापस लाना हो या फिर लैंडर को सैंपल के साथ वापस लाना हो, इसरो ने इसमें महारत हासिल कर ली है। चांद पर सो रहे अपने उन दोनों धुरंधरों, रोवर प्रज्ञान और लैंडर विक्रम को शुक्रिया कहिए, जिन्होंने भारत के नाम को पूरी दुनिया में इतनी ऊंचाई तक चमकाया। भारत के इतिहास में चंद्रयान के दोनों धुरंधरों, रोवर प्रज्ञान और लैंडर विक्रम को अनंत काल तक याद किया जाएगा। अगर आप चंद्रयान 3 की 14 दिन की खोजों को और विस्तार से समझना चाहते हैं, तो उस वीडियो का लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। चंद्रयान 3 के भारत के नाम को ऊंचाइयों तक ले जाने वाले सफर के बारे में आप क्या कहेंगे, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर के बटन पर क्लिक करके इस अच्छी जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों में फैलाएं, जिससे आपके दोस्त और रिश्तेदार भी कुछ अच्छा सीख पाएं। साथ ही आप भी वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं। आगे भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी, इसलिए अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें। जल्द मिलेंगे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ और आपको कुछ अच्छा सिखाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।